NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara Behta. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट. मैं हूं अभिषेक मिश्रा. केसी त्यागी का बयान सामने आया है. केसी त्यागी जेडीयू के महासचिव हैं और जिस तरीके से सांकेतिक भागीदारी का जो ऑफर दिया था बीजेपी ने जेडीयू को और नीतीश कुमार ने सरकार में शामिल होने से मना कर दिया इस सांकेतिक भागीदारी के बाद, तो केसी त्यागी का बयान भी सामने आया था कि इससे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर असर पड़ेगा. और इस पूरे मामले को विपक्ष ने हाथों हाथ लिया और नीतीश कुमार को ऑफर मिलने लगे, जेडीयू को ऑफर मिलने लगा कि महागठबंधन में आइए. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने ऑफर दिया. कांग्रेस की ओर से कहा गया कि आप विपक्ष, सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाइए, महागठबंधन का हिस्सा बनिए. तो जिस तरीके से लगातार बयान सामने आ रहे हैं, अब केसी त्यागी ने उन खबरों को खारिज करने की कोशिश की है कि जेडीयू बहुत नाराज है या बीजेपी जेडीयू की दोस्ती पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है. हालांकि केसी त्यागी ने खुद ही यह कहा था कि बीजेपी ने जो जेडीयू के साथ किया है उससे बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका असर हो सकता है. तो केसी त्यागी ने अब बड़ा बयान दिया है, बड़ी खबर है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से. जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 में होना है उसमें विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा लोकसभा चुनाव की तरह, और विपक्ष कहीं नहीं रहेगी. विपक्ष का सुपड़ा बिल्कुल बिहार से साफ होने वाला है. महज 18 सीटों पर विपक्षी पार्टियां सिमट सकती है. और केसी त्यागी ने अपने इस बयान का आधार बनाया है लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों को. लोकसभा चुनाव के 2019 का जो नतीजा आया है उनके मुताबिक, उन नतीजों के हिसाब से बिहार में विपक्षी पार्टियां सिर्फ 18 सीटों पर आगे रही है, 18 विधानसभा सीटों पर आगे रही है लोकसभा चुनाव में. तो जाहिर है केसी त्यागी ने इस बयान को आधार बनाया है और साफ तौर पर यह कहा है कि इससे साफ है, ये गणित बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बिहार की 18 विधानसभा सीटों पर विपक्षी पार्टियां आगे रही है, मतलब तो साफ है कि 18 विधानसभा सीट ही जीत पाएगी विपक्षी पार्टियां. तो खैर, केसी त्यागी ने ये कहा है कि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा और गणित को समझाया है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं. तो बड़ा बयान दे दिया है और कहीं ना कहीं उन खबरों को भी खारिज करने की कोशिश, क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही हैं. कल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा कि पटना लौटे और कहा कि भाई हम तो जानना चाहते थे कि किसको क्या बना रहे हैं, हमसे कहा गया कि सांकेतिक हिस्सेदारी देना चाहते हैं, एक जेडीयू के एक सांसद को मंत्री बनाना चाहते हैं, हमने मना कर दिया, हमारी पार्टी के लोग तैयार नहीं थे, तमाम तरह की बातें कही. लगा कि नीतीश कुमार के मन में भी दुख है, आहत है. और जेडीयू के नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे थे. श्याम रजक ने भी कह दिया कि बीजेपी ने नीतीश के साथ अच्छा नहीं किया. केसी त्यागी पहले बयान दे चुके थे कि इस तरह से अच्छा नहीं हुआ है, बिहार विधानसभा में असर पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब केसी त्यागी ने इन खबरों को खारिज करने की कोशिश की है कि जेडीयू बीजेपी की दोस्ती दरक रही है या कोई बड़ा बहुत तल्खी है, बहुत तकलीफ है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मिलजुल कर लड़ेंगे और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा, 18 सीटों पर विपक्ष सिमट जाएगी. इस खबर में इतना ही. अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे. प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडिस्ट को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं, साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में. आज ही डाउनलोड करें सॉट केयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.sortcare.in. अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222. सॉट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स.